बायपोलर डिसऑर्डर और अफेक्टिव डिसऑर्डर मैनिक टाइप या मैनिया, हाइपोमैनिया या हर्षवायु, उन्माद, ये जो बीमारी है तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। हर्षवायु या उन्माद जब होता है तो आदमी बहुत ही वायलेंट एक्साइटेड रहता है, उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करेक्ट है, मेरी सुनो, वो जोर से बोलेगा, बहुत फास्ट बोलेगा, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है उसका माने नहीं तो, फिर वो बाहर जाके बहुत खर्चा करेगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस लोगों को दे देगा, कहीं जगह खरीद लेगा या बेच देगा, गहने बेच देगा, सट्टा खेलेगा, ताश खेलेगा, ऐसे बहुत सारे हरकतें करते रहते हैं, नींद नहीं आती। क्या होता है कि इसका यदि इलाज करना है तो हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खुद को या लोगों को हार्म करेगा तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज करना और डॉक्टर के केयर के अंडर ही उसको रखना बहुत जरूरी है, उसका इलाज करना जरूरी है। क्या होता है कि लोग यदि बाहर रख के उनका इलाज किया तो खुद तो ये कंट्रोल होते नहीं है, लोगों से भी होते नहीं है, और फिर बाहर जाके लोगों को हार्म कर सकते हैं, खुद को हार्म कर सकते हैं, और इसलिए उनको हॉस्पिटल में रख के उनको सेडेशन हेवी डोज देना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को हेवी डोज लगता है, बहुत ज़्यादा डोज लगता है दवाई का, और ज़्यादा डोज तभी देना संभव है जब वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है। तो हॉस्पिटल में एडमिट करना, ज़्यादा डोज देना, उसका डोजेस का मॉनिटर करना पड़ता है, मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग करके उसको टाइट्रेट करना डोज को, और उसका इलाज करना जरूरी है। अब ये जो है बहुत ही वायलेंट है तो पहले उसको एंटीसाइकोटिक और सेडेटिव देना बहुत जरूरी है, ताकि वो आराम करेगा, सोएगा, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो कंट्रोल में आ जाएगी। उसके साथ साथ फिर लिथियम कार्बोनेट दवाई है कि जो दवाई से जो गोली है उससे उसको मूड स्टेबिलाइज होने में बहुत मदद होती है। सोडियम वेलप्रेट दवाई है, उससे भी मूड स्टेबिलाइज अच्छा होता है। कार्बामेज़ेपिन जो है उससे भी मूड स्टेबिलाइज होता है। लैमोट्रीजिन करके दवाई है, उससे भी मूड स्टेबिलाइज होता है। तो ये जो मूड स्टेबिलाइजर है उसका इस्तेमाल करने का है, और साथ साथ बहुत ही अच्छे सेडेटिव्स देना है, सोने की या नींद की दवाई, और एंटीसाइकोटिक मतलब साइकोसिस कंट्रोल करने के लिए देना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा ये वायलेंट है, कभी कभी क्या होता है कि ये दवाई हम ज़्यादा बढ़ाना चालू कर देते हैं, और बढ़ाते तभी दवाई से कन्फ्यूजनल स्टेट आती है, मगर दवाई से एक समय ऐसा होता है कि दवाई से वो ठीक हो रहा है, एक दिन दो दिन ठीक है, तभी भी वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल में है, हम क्या करते हैं और दवाई बढ़ाते हैं, और दवाई बढ़ा दिया क्योंकि रिलेटिव बहुत पीछे लगते हैं, अभी सोया नहीं, अभी तकलीफ दे रहा, अभी तकलीफ, डॉक्टर और बढ़ाता है दवाई और बढ़ा दिया तो वो जाएंगा कन्फ्यूजन स्टेट में, फिर इसके बाद में और दवाई बढ़ा दिया तो फिर बिगड़ जाता है। तो इसलिए रिलेटिव्स ने भी थोड़ी शांति रखनी चाहिए कि भाई ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है तो फिजिकल रिस्ट्रेन करना जरूरी है, और फिर वो कंट्रोल नहीं होता है मेडिसिन से तो फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT शॉक ट्रीटमेंट वो देते हैं, तो उससे भी फायदा होता है। तो ये दवाइयाँ जब देते हैं और क्योंकि उससे हमें बातचीत करना, आर्गुमेंट करना कुछ फ़ायदा होता नहीं है, सिर्फ हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है और डोपामिन जो सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है उसको जो कंट्रोल में आने का है वही दवाई से संभव है। बाकी एक बार कंट्रोल में आ गया, बाद में मूड स्टेबिलाइजर देके बाद में फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।